ये सबको पता है कि अगर वेट लॉस इफेक्टिवली करना है तो वेट ट्रेनिंग बहुत क्रूशल है लेकिन बहुत सारी परसेप्शन हैं कि वेट ट्रेनिंग में हमें कितनी रेपिटेशन करनी चाहिए शायद आपके भी ट्रेनर ने आपको बोला होगा कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको ज्यादा रेपिटेशन करनी है और अगर आपको मसल गेन करना है तो आपको कम रेपिटेशन करनी है ये आधा सच है यस मसल बिल्डिंग के लिए लोअर रेपरेंज और मॉडरेट रेपरेंज ज्यादा इफेक्टिव है एनीथिंग क्लोज टू सिक्स टू ट्वेल्व रेपिटेशन और उससे अगर आप कम करते हो तो अपनी पावर डेवलप करते हो लेकिन अगर आप 12 से ज्यादा 12 से 15 या 15 से 20 या 20 प्लस रेपिटेशन करते हो आप फैट लॉस नहीं कर रहे आप मस्कुलर इंड्यूरेंस यानी कि मसल का स्टेमिना डेवलप कर रहे हो वेट लॉस के लिए सेम कंडीशन जो मैं हर वीडियो में बताता हूं कि बॉडी को कैलोरी डेफिजिट में लेके जाना पड़ेगा विद राइट अमाउंट ऑफ फूड और विद राइट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज रेपटेशन आप सारी बदल बदल के करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे आपको मसल डेवलपमेंट होगी आपकी मैक्सिमल स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपका मस्कुलर इंड्योरेंस भी बढ़ेगा तो रेप रेंज को वेरी करते रहें इंटेंसिटी को वेरी करते रहें और अपने कैली डेफिसिट पर ध्यान अगर आप देंगे तो वेट लॉस हो जाएगा होप दैट हेल्प